अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैथ, CATH। सी इज़ फॉर क्लासिफिकेशन, ए इज़ फॉर आर्किटेक्चर, टी इज़ फॉर टोपोलॉजी एंड एच इज़ फॉर होमोलॉजी। इट्स बेसिकली द वेब, यू कैन से अ वेबसाइट, अ डाटा बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंड क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम दैट इज सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर अलाइनमेंट प्रोग्राम, SSAP। स्ट्रक्चरल डोमेन सेपरेशन इज ऑल्सो परफॉर्म्ड एंड दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कैथ में हम इंडिविजुअल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को क्लासीफाई करते हैं 5 लेवल्स पे। क्लास है, आर्किटेक्चर है। कैथ में जो सी है इसको बेसिकली हम क्लास बी बोलते हैं। फोल्ड आर टोपोलॉजी है, होमोलोगस सुपर फैमिली है एंड होमोलोगस फैमिली है। इसका जो रिसेंट वर्जन है 2.5.1, इसमें 4 क्लासेस हैं, 37 आर्किटेक्चर्स हैं, 813 टोपोलॉजीज़ हैं, 1467 होमोलोगस सुपर फैमिलीज़ हैं और 4036 होमोलोगस फैमिलीज़ हैं। क्लास जो है ना, इसकी डेफिनेशन कैथ में सिमिलर है जो कि हमने स्कोप में पढ़ी थी। स्कोप का लिंक भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आप वो भी रिकॉल कर लें। आर्किटेक्चर यूनिक लेवल है कैथ में और ये इंटरमीडिएट है बिटवीन फोल्ड एंड क्लास। इस लेवल में होता क्या है, ओवरऑल पैकिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट ऑफ कनेक्टिविटी, यानी उनके दरमियान में जो कनेक्टिविटी है उससे इंडिपेंडेंट पैकिंग और अरेंजमेंट कैसे होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, आर्किटेक्चर में हम इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो टोपोलॉजी लेवल है, वो फोर्थ लेवल के इक्वल होता है स्कोप में और इसमें बेसिकली हम ओवरऑल ओरिएंटेशन स्टडी करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और सीक्वेंस कनेक्टिविटी कितनी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दरमियान वो हम देखते हैं, यानी कितनी सीक्वेंसेस जो हैं वो सिमिलर हैं वो हम टोपोलॉजी लेवल में स्टडी करते हैं। होमोलोगस सुपर फैमिली एंड होमोलोगस फैमिली लेवल्स जो हैं वो इक्विलेंट हैं स्कोप में सुपर फैमिली और फैमिली लेवल्स के, इसलिए मैं स्कोप का लिंक भी साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप उन चीज़ों को भी रिकॉल कर लें और यहीं पर भी आपने वही चीज़ें लिखनी है जो कि सुपर फैमिली और फैमिली में हमने स्कोप में डिस्कस की हैं।